मीरठ से आ रही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जलीकूटी में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की पुष्टि के बाद सील करने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम व पुलिस पर पब्लिक ने कर दिया पथराव। पथराव में सिटी मजिस्ट्रेट और दरोगा घायल हो गए। दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के जलीकूटी पर कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम हॉटस्पॉट बनाए एरिया को सील करने गई थी। पुलिस के साथ प्रशासन की टीम भी इस दौरान मौजूद थी। एरिया को सील करने के लिए पुलिस बल्लियां लगा रही थी, तभी कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसे लेकर भगदड़ मच गई। एक पत्थर सिटी मजिस्ट्रेट के हाथ में लगा, जबकि पत्थर लगने से दरोगा मुकेश कुमार घायल हो गए। इसके बाद अस्पताल आसपास के थाना क्षेत्रों की पुलिस बुला ली गई। एसपी सिटी आरएएफ के साथ मौके पर पहुंचे। एरिया को सील करने की प्रक्रिया जारी की गई, साथ ही पथराव करने वाले उग्रवादियों की धरपकड़ भी शुरू की गई। इसी धरपकड़ में इमाम सहित चार पत्थरबाज पुलिस के हाथ लग गए, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। टीम सर, जो आज सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए टीम गई थी, क्या क्या पूरा मामला रहा और प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ऐसा है, ये हमारे यहाँ पे जो है 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसको एम्बुलेंस सिटी में संबंधित दरोगा साथ गए थे। पेशेंट को जब वापस एम्बुलेंस में बैठा के जा रहे थे, उसके बाद कुछ भीड़ वहाँ पे आई जो उत्तेजित हो गई और उसमें कुछ हमले टाइप का हुआ, जिसमें जो है सिटी मैजिस्ट्रेट घायल भी हुआ। इसमें हम लोग तक कार्रवाई कर रहे हैं, जो लोग भी कानून को हाथ में ले रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हम लोगों को बार बार लोगों को यही समझा रहे हैं कि अगर हम इन कोरोना पॉजिटिव को आइसोलेट नहीं करेंगे तो ये पूरे शहर में जहां जहां जिसके संपर्क में आएंगे उनमें फैलाएंगे, ये बताया जा रहा है और इनसे सख्ती से निपटा जाएगा। क्या डीएम साहब, इलाके को सील कर दिया गया है या अभी आगे कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, इलाके को सील कर दिया गया है और उसी कार्रवाई के दौरान ही वो लोग वहां घर पे गए थे जिसमें ये घटना हुई। जिन्होंने ये जो घटना दी है उनको अंजाम दिया है, उनके खिलाफ किस तरह किन धाराओं में कार्रवाई किस तरह? देखिए, अभी जो है हम लोगों ने जो है हमारा डीएसटी मैनेजमेंट एक्ट है, उसके अंतर्गत भी FIR दर्ज होगी। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और भी लोगों को समझाया जा रहा है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी अगर कुछ होगा तो उनको।